हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है एसपीएम एंड बीवी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन करवाया था पहले चैप्टर सब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट दो पार्ट्स, दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। टोटल 9 चैप्टर्स हैं। पार्ट ए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एसपीएम है 50 मार्क्स का। पार्ट बी बिजनेस वैल्यूएशन बीबी है 50 मार्क्स का। एसपीएम थ्योरी के लिए ज्यादा थोड़ा मार्क्स लेकर आता है और बिजनेस वैल्यूएशन थोड़ा प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंगली ज्यादा मार्क्स का होता है। उसके अलावा स्टूडेंट, हम लोगों ने फिर ये तो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको करवाई थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले एसपीएम पार्ट ए का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जिसकी ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट करवा दी है। उसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मतलब स्कैनर भी हमने साथ में सॉल्व किया था। उसके अलावा फिर बच्चों हमने नेक्स्ट देखा था कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल की क्लास में ऑलरेडी ये चीज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे अपने फर्स्ट चैप्टर एसपीएम का पार्ट ए का, मतलब पार्ट ए एसपीएम का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कोर्स आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, उसकी एक क्लास पढ़ी है। चैप्टर वन की एक क्लास ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली थी कल बच्चों, और उसके अंदर देखिए मैं आपको ये समझा चुका था कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका था स्टूडेंट्स कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स क्या है, और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में सॉल्व किए। अब स्टूडेंट, हम अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। हमें इन तीन शब्दों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। देखिए बच्चों, जो परफॉर्मेंस शब्द है उसको तो मैं फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है। जब कंपनी रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, एंड जब तक कंपनी थ्रू आउट ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी जब तक चलेगी तब तक ये प्रोसेस चलना चाहिए। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट। ये हम परफॉर्मेंस के बारे में पूरा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने साथ में सॉल्व कर लिए। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के बारे में। आखिर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ये क्या है, ये क्यों जरूरी है किसी कंपनी के अंदर? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होने से कंपनी को फायदा है कि नुकसान है? अगर फायदा है तो क्या फायदा है, अगर नुकसान है तो क्या नुकसान है? ये सब कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आए हुए हैं, स्कैनर के क्वेश्चन, वो भी सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको बोला है बच्चों, ऑल्दो हम पढ़ रहे हैं आपके न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली और सब कुछ स्टडी मटेरियल से कर रहे हैं, पर आप बोलोगे कि सर न्यू सिलेबस तो अभी आया है, उसका तो पहला अटेम्प्ट जून 2023 के अंदर लगेगा, आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्कैनर कैसे सॉल्व करवा रहे हो? मैं आपको बोल चाहूंगा वो बच्चे जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट था और कुछ टॉपिक्स ओल्ड सिलेबस में कॉमन थे जो आज न्यू सिलेबस के अंदर है। हम उन्हें पढ़ रहे हैं लेटेस्ट, रिकॉर्डिंग लेटेस्ट हो रही है, सीएमए मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली हो रही है, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली हो रही है, 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो रही है। बट उन टॉपिक से रिलेटेड ओल्ड सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उन्हें यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा देता हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, पर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आखिर किस तरह से आता है आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। आप सिर्फ टॉपिक टॉपिक पढ़ लोगे यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको आते नहीं है, फिर क्या मजा आ जाएगा? इसीलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि प्रोडक्टिविटी क्या है और एफिशिएंसी क्या है।
मैं सबसे पहले आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको एफिशिएंसी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम दोबारा से इस वाले पैरा पर आएंगे कि आखिर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी क्यों जरूरी होती है। स्टूडेंट, प्रोडक्टिविटी क्या है और एफिशिएंसी क्या है ये समझाने के लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल पर लेकर जाना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये है जितेश सेन। ये बच्चों 2015 में मुझसे पढ़ा था और ये इंडिया का यंगेस्ट सीएमए बना, सबसे यंग सीएमए बना ये 2015। ये न्यूज़पेपर की इसकी फोटो है जितेश की, 2015 में ये मेरा स्टूडेंट था। इसका एक क्वेश्चन था मेरे, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा इसने कि सर सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के अंदर कंपनी लॉ के सभी चैप्टर्स मैं ढंग से पढ़ लूं, सभी चैप्टर्स मैं ढंग से पढ़ लूं तो क्या मेरे लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? एग्जाम आने वाले थे बच्चों, एग्जाम से थोड़े टाइम पहले इसने पूछा कि सर क्या मैं सीएमए फाइनल लॉ के सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ूं क्या तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे? तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला जितेश यार तू कंपनी लॉ पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, अगर अगर तू सभी चैप्टर्स को पढ़ते हो, आप अगर सभी चैप्टर्स को पढ़ते हो तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, मतलब इनपुट बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन लॉ सब्जेक्ट के और अगर हम स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो ठीक है तुम सभी चैप्टर्स पढ़ लो, बट अब एग्जाम आने वाले इस वाले टाइम पे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर तुम सभी चैप्टर्स लॉ के पढ़ोगे तो तुम इनपुट बहुत ज्यादा लगा दोगे, लेकिन एग्जाम के अंदर लॉ सब्जेक्ट से कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, मतलब 85 मार्क्स का कुछ लिमिटेड चैप्टर्स में से आता है, बाकी 15 मार्क्स का जो है वो अदर चैप्टर्स में से आता है। अगर तुम सभी चैप्टर्स को पढ़ोगे तो अपना बहुत सारा इनपुट लगा दोगे, बहुत सारा टाइम खर्च कर दोगे, बहुत इनपुट लग जाएगा, बहुत रॉ मटेरियल लग जाएगा, लेकिन उतना आउटपुट निकल के नहीं आएगा क्योंकि तुमने टाइम बहुत लगा दिया। अगर तुम सिर्फ लॉ पढ़ने में इतना टाइम लगा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट कहां पढ़ोगे, तो ओवरऑल रिजल्ट का उतना आउटपुट नहीं निकलेगा और तुम प्रोडक्टिवली काम नहीं कर। तो अगर प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करना है तो याद रखो कि जितना इनपुट लगा रहे हो आउटपुट उससे ज्यादा ही निकलना चाहिए। आप जितना रॉ मटेरियल लगा रहे हो, आप जितना इनपुट लगा रहे हो, आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो नतीजा है वो इनपुट से ज्यादा निकलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यही बात मैंने बोली जितेश, अगर तुम कंपनी लॉ पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, इनपुट बहुत ज्यादा लगा दोगे, जबकि दो चैप्टर्स या कुछ चैप्टर्स में से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तुम प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, तुम प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें प्रोडक्टिवली काम करना है तो उसके लिए याद रखो कि जितना तुमने इनपुट लगाया है उसका रिजल्ट आना चाहिए कि आउटपुट इनपुट से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि तुमने अपना किसी, आप मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर 100 रुपए खर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपए खर्च कर रहे हो, जबकि वो प्रोडक्ट जब बन गया, फिनिश गुड्स बन गया और आप उसे बेचोगे तो सिर्फ आपको 80 रुपए मिल रहे हैं। आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, आप घाटे में, नुकसान में, लॉस में जा रहे हो। प्रोडक्टिविटी शब्द का मतलब होता है कि जो आपने इनपुट लगाया, आपने जितनी मेहनत करी, आपने जितना रॉ मटेरियल लगाया, आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट उससे ज्यादा आना चाहिए। कितना ज्यादा इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, कितना ज्यादा आएगा इसका कोई मतलब नहीं है, कितना भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बोलती है कि ज्यादा आना चाहिए। कोई लिमिट सेट नहीं है कि भैया आपने इतना इनपुट लगाया तो आना जरूरी है, इतना इनपुट लगाया तो इतना आउटपुट आना जरूरी है, ये कोई लिमिट सेट नहीं है, लिमिट सेट नहीं है। लेकिन मैं दोबारा से बोल रहा हूं स्टूडेंट कि प्रोडक्टिव शब्द का मतलब होता है आपने जो इनपुट लगाया आउटपुट उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा आए ये कोई लिमिट सेट नहीं है, बस आउटपुट ज्यादा।
तो फिर जितेश के दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि उसको प्रोडक्टिवली काम करना है। वो जितना इनपुट लगा रहा है आउटपुट उससे ज्यादा निकले। इसीलिए बच्चों इनपुट और आउटपुट को प्रोडक्टिविटी को जब हम पढ़ते हैं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इस फॉर्मूले को लगाओ आप। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, इसका मतलब होता है आपने जितना इनपुट लगाया आपने आउटपुट उससे ज्यादा काम है। अगर आपका जो आंसर आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है जितना इनपुट लगाया उतना आउटपुट नहीं आया, उससे कम है। जितेश को ये बात समझ में आ गई कि सर प्रोडक्टिवली मुझे काम करना है। फिर उसने बोला, सर अभी जो लास्ट लॉ का टेस्ट हुआ था ना उसमें मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आए सर, क्या सर मैं स्टडी मटेरियल चेंज कर दूं, मैं कहीं और मतलब कुछ और दूसरी बुक से पढूं या कुछ और भी पढ़ लूं मैं एक्स्ट्रा। मैंने कहा जितेश नंबर्स इसलिए सही नहीं आए बिकॉज तू एफिशिएंट नहीं था। बोले सर एफिशिएंट क्या होता है? मैंने कहा एफिशिएंट का मतलब होता है आप जितना इनपुट लगा रहे हो, आप जो इनपुट लगा रहे हो उस इनपुट पे आपको मैक्सिमम आउटपुट लेकर आना है। देखिए बच्चों प्रोडक्टिव और एफिशिएंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही एक बेसिक सा डिफरेंस है और बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मैं आपको बता। देखिए एक कंपनी है, सपोज कीजिएगा एक कंपनी है रिलायंस कंपनी है और वो इनपुट लगाती है 100 रुपए का इनपुट और उस पर उसका आउटपुट आता है 120 रुपए का, तो वो एफिशिएंट है, सॉरी वो प्रोडक्टिव है, वो रिलायंस कंपनी प्रोडक्टिव है क्योंकि जितना उसने इनपुट लगाया आउटपुट उससे ज्यादा आया, वो प्रोडक्टिव है। क्वेश्चन ये है कि 100 रुपए का जो उसने इनपुट लगाया क्या उस पर मैक्सिमम आउटपुट 120 रुपए का ही निकल सकता है या उससे ज्यादा निकल सकता है? क्योंकि एफिशिएंसी ये बोलती है कि आप जितना इनपुट लगा रहे हो उस इनपुट पर आपको आउटपुट मैक्सिमम, मतलब आप इतना आउटपुट लेकर आ रहे हो कि अब इससे ऊपर आउटपुट नहीं आ सकता। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट लगाओगे, अगर आप 100 रुपए का रॉ मेटेरियल लगाओगे, अगर आप 100 रुपए का इनपुट लगाओगे तो उस पर आपको आउटपुट इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। एफिशिएंसी मैक्सिमम आउटपुट पर जाती कि मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी क्वालिटी पे बात करती है कि जितना इनपुट लगा रहे हो उससे एकदम बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट निकालो, बेस्ट क्वालिटी। प्रोडक्टिवली बोलता है मेरे को मतलब नहीं है कि आउटपुट मैक्सिमम आ रहा है देखना, मैं बोल रहा हूं जितना इनपुट लगाया उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए, कितना ज्यादा आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा आ जाए मुझे सिंपल सा मतलब है जो इनपुट लगाया उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए। एफिशिएंसी बोलते हैं ना 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 ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, जितना इनपुट लगाया उस पर मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए तो एफिशिएंट। तो बच्चों अब देखो मैंने बोला रिलायंस कंपनी ने 100 रुपए का इनपुट लगाया और उस पर आउटपुट 120 का आया, कंपनी प्रोडक्टिव तो है, लेकिन एयरटेल कंपनी ने 100 रुपए का, एयरटेल ने भी 100 रुपए का इनपुट लगाया और उस पर उसने 200 का आउटपुट कमाया और ये आउटपुट मैक्सिमम है, मतलब 100 रुपए के इनपुट पे 200 रुपए का आउटपुट कम, और प्रोडक्ट सेम है, ये काम सेम कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, रिसोर्स मटेरियल मशीन सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम हो रहा है। रिलायंस कंपनी ने 100 रुपए का इनपुट लगाया उसने 120 का आउटपुट कमाया, वो प्रोडक्टिव है, लेकिन एयरटेल कंपनी ने भी सब कुछ सेम करा उसने भी 100 रुपए का इनपुट लगाया आउटपुट उसने 200 का कमाया और ये मैक्सिमम है, कोई भी कंपनी या कोई भी इस 200 से ज्यादा का आउटपुट नहीं कमा सकता इस 100 रुपए के इनपुट पे। तो बच्चों रिलायंस कंपनी प्रोडक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, जबकि एयरटेल कंपनी प्रोडक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, क्योंकि प्रोडक्टिव बोलता है कि आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो लेकिन एफिशिएंट बोलता है कि आउटपुट
जितना आपने इनपुट लगाया वो जो सेट इनपुट है आपका, एक फिक्स इनपुट है, आउटपुट उस पर मैक्सिमम आए। अगर सपोज करो कल को मान के चलो जियो कंपनी सेम 100 रुपए का इनपुट लगाकर आउटपुट 250 का निकाल देती है, तो एयरटेल को भी हम सिर्फ प्रोडक्टिव बोलेंगे, एफिशिएंट नहीं बोलेंगे। फिर हम जियो को एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव दोनों बोलेंगे, क्योंकि जो आपने इनपुट लगाया उस पर मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, दैट इज एफिशिएंसी। स्टूडेंट बोलता है सर मैं आपकी बात को यहां तक पूरी तरह समझू, सर आपने मुझे दो बातें बोल दी, प्रोडक्टिविटी ये बोलती है कि जो इनपुट लगाया और जो आउटपुट आया वो इनपुट से ज्यादा आ जाए, लेकिन सर वहीं पर एफिशिएंसी ये बोलती है कि आपने जो इनपुट लगाया उस पर मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, मैक्सिमम आउटपुट। बिल्कुल मैं समझ चुका हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। तो अभी तक स्टूडेंट्स मैंने आपको दो शब्दों का मीनिंग समझाया, मैंने आपको बताया कि आखिर प्रोडक्टिव शब्द का मतलब क्या होता है, और बच्चों मैंने आपको बताया कि एफिशिएंट शब्द का मतलब क्या होता है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो इनपुट लगा रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट कमा रहे हो, एफिशिएंट का मतलब होता है जो इनपुट लगा रहे हो उस पर मैक्सिमम आउटपुट कमा रहे हो। स्टूडेंट बोलता है क्लियर है सर यहां तक की बात, पर मेरा एक डाउट है, एक क्वेश्चन है सर मेरा। मैंने कहा पूछो सर प्रोडक्टिव का तो मैटर खत्म हुआ, मुझे आ गया समझ में, नो प्रॉब्लम, मजा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो एफिशिएंसी है ये कितने टाइप की होती है? मैंने उससे बोला दो टाइप की होती है, एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी, एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। स्टूडेंट बोले ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब मैं ऑलरेडी समझ चुका हूं सर, एफिशिएंसी के मीनिंग आपने मुझे समझा दिया, अब आप बोल रहे हो कि एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी, एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। सर टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होती है? जो मैंने समझाई एफिशिएंसी का जो मैंने मीनिंग समझाया वो एक्चुअल में टेक्निकल है, कि इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट, दैट इज टेक्निकल। अच्छा, तो अलोकेटिव क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। और बच्चों ये जो मैं आपको टेक्निकल और अलोकेटिव समझाऊंगा ये मैं आपको एफिशिएंसी से नहीं इन एफिशिएंसी से समझाता हूं, समझ में पूरा है। कोको कोला एक कंपनी है और कोको कोला कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है। अब मैं आपको दो केस लेकर चलूंगा, दो सिचुएशन। पहला सिचुएशन, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है और मशीन की जरूरत। अभी ये समझिए कि सिर्फ इन्हीं की जरूरत होती है, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में कोल्ड ड्रिंक बनाने को बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उन पर ध्यान मत दो। आप इतना समझ लो कि कोको कोला एक कंपनी है, कोका कोला एक कंपनी है और वो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो इनपुट लगता है वो एक तो है पानी, एक है शुगर और एक है मशीन, ये तीन चीजें लगती है। इतना आप इतना ही समझो, इतना ही। अब दो सिचुएशन, पहला सिचुएशन बच्चों कोको कोला कंपनी के पास में सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं, कमी नहीं है इनपुट की, पानी भी है, शुगर भी है, मशीन भी है, मतलब इनपुट अवेलेबल है, फिर भी कोको कोला कंपनी मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रही, इसे हम बोलते हैं टेक्निकल इनएफिशिएंसी। प्रैक्टिकली समझो बच्चों, प्रैक्टिकली समझो कि एक मूवी आई थी बच्चों, एक ना मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आप देखो उसके अंदर आमिर खान है, नो डाउट बहुत अच्छा एक्टर है, और अमिताभ बच्चन है, बहुत अच्छे एक्टर है, तो मूवी बहुत अच्छी बननी चाहिए थी ना यार, आमिर खान अमिताभ बच्चन दो, रोनित रॉय था उसमें, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन मूवी अच्छी नहीं बनी, फ्लॉप भी हुई, पैसा थोड़ा बहुत ठीक कमाया लेकिन एक्चुअल में फ्लॉप हो गई।
क्योंकि टेक्निक की कमी थी उनके पास में, टेक्निक जो डायरेक्टर्स थे उन मूवी के, उनके पास में टेक्निक नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे मुझे इनका बेस्ट यूज करना है। उठाते तो मूवी तो फिर बहुत अच्छी जाती, बहुत कमाई करती। सेम उसी टेक्निक नहीं थी ना उनके पास, सेम उसी तरह से कोको कोला कंपनी के पास में सब कुछ है, सब कुछ है, इनपुट पूरा है, सब कुछ है, टेक्निक ही नहीं है इनके लोगों के पास में। इनको पता ही नहीं है कि यार इस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाला कैसे जाता, आता ही नहीं है। इनपुट तो सब है, माल तो सब है, मशीन मशीन सब है, पर इनको इनके पास में टेक्निक ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इतना इनपुट लगाते मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाता, आता ही नहीं है इनको, टेक्निक की कमी है इनके पास, टेक्निकल इनएफिशिएंसी। पहली सिचुएशन तो आपको समझ में आया, एफिशिएंसी क्या है वो मैं समझा चुका हूं, इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट, दैट इज एफिशिएंसी, उसी को टेक्निकल एफिशिएंसी बोलते हैं। अब मैं आपको इनएफिशिएंसी समझा रहा हूं, है ना, उससे आप दो टाइप की एफिशिएंसी अपने आप समझो। तो मैंने आपको बोला कि अगर इनपुट अवेलेबल है फिर भी मैक्सिमम आउटपुट काउंट नहीं हो रहा है आपका, तो बच्चों इसको टेक्निकल इनएफिशिएंसी बोलते हैं, ये मैंने लिखा भी है। सेकंड सिचुएशन पर आ जाते हैं, कोको कोला कंपनी के पास में क्या यार, पानी तो है, मशीन भी है, शुगर नहीं है, मतलब इनपुट अवेलेबल नहीं है, इनपुट अवेलेबल नहीं है। तो फिर कोको कोला कंपनी को एट लास्ट हार के, भाई धंधा तो बंद नहीं कर सकती, बिजनेस तो बंद नहीं कर सकती ना कंपनी, अब इनपुट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या करा उन्होंने कि वो कहीं और से परचेज करके आ रहे, किसी दूसरी कंपनी से उनकी कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उन्हें थोड़ी महंगी पड़ी, और फिर उन्होंने वो महंगी कोल्ड ड्रिंक और महंगे में बेची। ये अलोकेटिव इनएफिशिएंसी कि अगर प्रोडक्ट्स होते, इनपुट्स होते, तो टेक्निक की कमी नहीं थी, मैक्सिमम आउटपुट कमा लेते ये, पर इनपुट्स अवेलेबल नहीं थे ना, इनपुट्स अवेलेबल, अगर इनपुट कंप्लीट अवेलेबल है फिर भी कंपनी मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रही है, टेक्निकल इनएफिशिएंसी। अगर इनपुट ही अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से कंपनी को प्रोडक्ट कहीं और से परचेज करके फिर अपनी ब्रांडिंग लगा के बेचनी पड़ रही है, अलोकेटिव इनएफिशिएंसी। अब आपको समझ में आ गया, तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आप लोगों को आज की क्लास में समझाया कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी और एक होती है अलोकेटिव एफिशिएंसी। क्लियर है ये चीज यहां तक? आगे चलते हैं बच्चों, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे चलते हैं। स्टूडेंट मेरे से बोलता है, बोला सर ठीक है सर, चलो आपने प्रोडक्टिविटी का मीनिंग समझा दिया, आपने एफिशिएंसी का मीनिंग समझा दिया, समझ में भी आ गया, एग्जाम्पल भी करवा दिए आपने, पर इन्हें पॉइंट वाइज और क्लियर करो ना सर, थोड़ा प्रैक्टिकली क्लियर करो ना, और मजा आएगा। हाँ तो क्लियर करते हैं ना, एक पॉइंट से हम देखेंगे, रेफरेंस लेंगे हम अलग अलग पॉइंट्स का, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। पहला लेंगे कॉस्ट एज इनपुट, कॉस्ट एज इनपुट मतलब जो मैं बोल रहा हूं कि इतना इनपुट, हम उसे कॉस्ट मान के चल। देखो बच्चे, प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कॉस्ट को इंक्लूड, प्रोडक्टिविटी सिंपल बोलती है कि जितना इनपुट लगाया उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए, कितना ज्यादा आ जाए मुझे मतलब नहीं है, बस ज्यादा आ जाए। तो प्रोडक्टिव, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लेना, प्रोडक्टिविटी अपने अंदर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करती, मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी डज नॉट अकाउंट या इंक्लूड द कॉस्ट, वो उसका सिंपल सेट फॉर्मूला है, जितना इनपुट लगा उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए, बात खत्म, मुझे कुछ लेना देना नहीं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। लेकिन वहीं पर बच्चों एफिशिएंसी जो होती है वो कॉस्ट को कंसीडर करती है, वो बोलती है कि जब मैंने इतनी कॉस्ट लगाई है तो मुझे मैक्सिमम उतना आउटपुट चाहिए, अगर मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा रहा हूं इनपुट में तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट थोड़ा बढ़कर चाहिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस है, तो अभी तक ये नया टॉपिक है न्यू सिलेबस के अंदर, ये वाला टॉपिक, ये पॉइंट वाइज क्लेरिफिकेशन ओल्ड सिलेबस में नहीं था, बाकी तो था, बाकी तो था, जो अभी तक पढ़ाया वो था,
ये वाला नया है, तो इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि प्रोडक्टिविटी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करती, एफिशिएंसी कॉस्ट को इंक्लूड करती है। सेकंड आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये तो आपको समझ में आ गया बच्चों। एफिशिएंसी क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करती है। एफिशिएंसी बोलती है कि मैंने इतना इनपुट लगाया तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, मुझको क्वालिटी चाहिए। जबकि प्रोडक्टिविटी ये बोलती है कि मुझे तो क्वांटिटी, इनपुट मैंने जितना लगाया मुझे उससे ज्यादा आउटपुट चाहिए, कितना पता नहीं, क्वांटिटी क्वांटिटी में बात करें, इनपुट से ज्यादा, इनपुट से ज्यादा, इनपुट से ज्यादा क्वांटिटी, प्रोडक्टिविटी ये बोलता है। एफिशिएंसी बोलता है नहीं, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी, जितना इनपुट लगाया उसमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, क्वालिटी मैक्सिमम क्वालिटी। लॉजिक सिंपल है बच्चों, क्लियर है ये चीज यहां तक। और उसके बाद में ये कहता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि ऑलरेडी कोई चीज ठीक है उसे और रिफाइन करो, उसे और रिफाइन करो, उसे और रिफाइन करो, उसे और रिफाइन करो। क्या लगता है आपको, विराट कोहली जो बंदा आते ही जब क्रिकेट में आए खेलने के लिए विराट कोहली साहब, तो थोड़े टाइम में 3 4 साल 5 साल जो भी रहा होगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पता नहीं है, बट वो बहुत जल्दी मतलब अपने करियर के बहुत ही जल्दी वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, इतने ज्यादा रन बनाने लगे, उन्हें रन मशीन के नाम से पुकारा जाने लगा, उनको सचिन तेंदुलकर, इतनी सेंचुरीज लगाई कि उन्हें सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर, सचिन तेंदुलकर से उनको कंपेयर किया। तो विराट कोहली को क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलना आता है, बैटिंग करनी तो वो एकदम बहुत ही बेस्ट बढ़िया बैटिंग करते हैं यार, पर फिर भी वो आज देखिए आज प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलने से पहले वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको खेलना नहीं आता, खेलता, तभी तो इतना सचिन तेंदुलकर से उनकी कंपैरिजन हो रही है यार, खेलना तो बहुत अच्छा आता है बंदे को, वो नेट्स में प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे और रिफाइन करना है, मैं जिस शॉट को इतना बेहतर लगा पा रहा हूँ मुझे और बेहतर करना है, मुझे रिफाइन करना है, मुझे रिफाइन करना है, मुझे रिफाइन करना है, मुझे और बेहतर करना है, मुझे और अच्छा होना है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, उनका एक शॉट वो हेलीकॉप्टर शॉट पे सिक्स मारते हैं, उनका बहुत फेमस शॉट है, तो उनको आता तो है, वो जब क्रिकेट में आए थे उससे पहले ही उनको आता था, है ना, और इतने सालों तक उन्होंने क्रिकेट खेला, 10 15 जो भी हुए होंगे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ज्यादा ही हो गए शायद 20 साल हो गए उनको, 2003 या 2004 में आ रहे थे वो, 18 19 साल हो गए, तो आता तो है उनको, फिर भी वो नेट्स में प्रैक्टिस करते रहते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं मुझे और रिफाइन करना है। सेम उसी तरह से बच्चों सपोज करिए एक कंपनी है और वो इनपुट जितना लगा रही है उससे ज्यादा आउटपुट निकाल रही है, मतलब वो प्रोडक्टिव तो है लेकिन वो बोल रही है कि मुझे और रिफाइन होना है, अभी मैं सिर्फ प्रोडक्टिव हूं, मुझे एफिशिएंट तक पहुंचना है, मैं प्रोडक्टिव तो हूं मुझे एफिशिएंट पर पहुंचना है, मैं जितना इनपुट लगाऊं उससे ज्यादा आउटपुट आ जाता है बट मुझे मैक्सिमम आउटपुट निकाल के आना है, मुझे एफिशिएंट बनना है। तो रिफाइनमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, इन दोनों पॉइंट से हमको एक बात तो क्लियर हो गई है कि एफिशिएंसी जो है वो रिफाइनमेंट के अंदर नेक्स्ट स्टेप है, मतलब रिफाइनमेंट को अगर हम लेकर चले, रिफाइनमेंट को अगर हम प्रोसेस माने तो प्रोडक्टिविटी पहला स्टेप है, और रिफाइनमेंट को करके रिफाइन करके हम एफिशिएंट बन सकते हैं, वो हमारा बिगर स्टेप है कि जो कंपनी प्रोडक्टिव है, इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल रही है, वो और मेहनत करे और मेहनत करे और मेहनत करे और रिफाइन करे खुद को, तो वो एफिशिएंट भी बन जाए। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, आपने मुझे प्रोडक्टिविटी का मीनिंग समझाया, समझ गया, आपने मुझे एफिशिएंसी का मीनिंग समझाया, समझ गया, आपने मुझे दो टाइप की एफिशिएंसी बताई, इनएफिशिएंसी बताई, समझ गया, आपने मुझे कुछ पॉइंट्स के थ्रू क्लेरिफिकेशन बताया, समझ गया, प्रोडक्टिव कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता, एफिशिएंसी करती है, प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी पे फोकस करता है, एफिशिएंसी क्वालिटी पे, प्रोडक्टिविटी एक तरह से फर्स्ट स्टेप है, रिफाइनमेंट के थ्रू हम एफिशिएंसी पर पहुंच सकते हैं। यहां तक की बात सर मुझको समझ में आ गई, पर एक डाउट है मेरा, स्टूडेंट बोला मेरा डाउट है, मैंने क्या डाउट है, बोले कि सर अगर कोई कंपनी है, अब आपने तो सर हमको ऐसे समझा दिया कि ये प्रोडक्टिविटी है ये एफिशिएंसी, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सिंपल सा काम है,
कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सर हम, कंपनी बड़ी कंपनी सर, कितनी तो ब्रांचेज हैं, कितनी सब्सिडरी कंपनी है उसकी, कितने उसके बिजनेस चल रहे हैं, कितने सारे वो प्रोडक्ट्स बेचती है कंपनी। कंपनी बहुत बड़ी है सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं सर। उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी को मेजर करना और एफिशिएंसी को मेजर करना, ये होती क्या है, चलो ये समझ में आ गया, पर इसको हम निकालें उसका कुछ मेथड्स होते होंगे ना। एक कंपनी बहुत बड़ी होती है सर, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम, कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत लोग काम करते हैं उसके अंदर सर। कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है सर वो, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उस कंपनी के अंदर सर, और वो कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ में टाइप करके चल रही है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत सारी सब्सिडरी है उसकी सर। उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को अगर हम मेजर करना चाहें तो सर क्या बहुत सिंपली मेजर हो जाती है क्या, मुझे ये पूछना है। नहीं यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी को मेजर करना चाहते हो, एफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, मना ही नहीं कर सकते, मेथड्स हैं, मेथड्स अवेलेबल है, पर बच्चा इजी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही इजी काम है बस कोई भी उठ के कर देगा। आप कर दोगे, आप क्वालिफाइड हो, आप सीएमए हो बच्चे, आप इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो, आपको इसीलिए तो पढ़ाई जा रहा है कि आपको सब कुछ पता चल जाए, फिर जब कंपनियों में जाओ तो आप कर पाओ, सीए जो है वो कर पाए, क्वालिफाइड बंदा कर सकता है, इजी नहीं होता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मेजर करना। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है बच्चों की कोई एक सिंगल मेथड है कि भैया एक रटा रटाया सा फॉर्मूला है उसको ले लो। जैसे प्रोडक्टिविटी के लिए मैंने बोला आपको कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो प्रोडक्टिव है, नहीं है तो नेगेटिव, वो ठीक है, पर आउटपुट कितना वो भी तो काउंट करना। आप तो प्रोडक्टिविटी के लास्ट स्टेप पर पहुंच गए कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, निकाल लो प्रोडक्टिविटी। अरे भैया इनपुट भी तो निकालो पहले, कितना इनपुट है, कितनी सारी ब्रांचेस है कंपनी की, कितनी सब्सिडरी है, कितने प्रोडक्ट बनाती है, एक ईयर में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो भी तो निकालो यार, फिर आउटपुट भी तो निकालो यार, उसमें बहुत सारे टैक्स वैक्स के एडजस्टमेंट भी तो करो, तब जाकर आपको वो आउटपुट और इनपुट का अमाउंट आएगा, फिर आप उसे डिवाइड करके प्रोडक्टिविटी निकाल। कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, कैसे हो सकता है, कंपनी इतनी बड़ी है, उस पूरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी निकालने के लिए आप चाहते हो कि एक सिंगल मेथड के थ्रू आप प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी निकाल दो, ऐसा थोड़ी होता है। निकाली जा सकती है प्रोडक्टिविटी, निकाली जा सकती है एफिशिएंसी, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्वालिफाइड आदमी निकाल सकता है, कोई सिंगल मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स आपको स्टेप पर यूज करने पड़ते हैं। कंपनी कौन सी सिचुएशन में है वहां पर वो मेथड अप्लाई कर दो, कंपनी कौन सी सिचुएशन है वहां पर वो मेथड अप्लाई कर दो, एक ही बार में आप, ऐसा नहीं है एक मेथड से कंपनीज को मेजर कर सकते, यही बात यहां पर लिखी है। आपको एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना पड़ेगा यार। स्टूडेंट बोला समझ गया, प्रोडक्टिविटी क्या होती है समझ गया, एफिशिएंसी क्या होती है समझ गया, टेक्निकल एलोकेटिव इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी क्या होती है समझ गया, आपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का मीनिंग पॉइंट वाइज हमको पढ़ाया, जो न्यू टॉपिक है न्यू सिलेबस में, वो मुझे समझ में आ गया। मुझे ये समझ में आ गया कि अगर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी किसी कंपनी में मेजर करनी है तो कर सकते हैं, बहुत इजी नहीं होता है कि हालांकि कर सकते हैं, लेकिन एक कोई सिंगल मेथड नहीं होता है जिसको यूज करके हम उसे मेजर कर पाए, बल्कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप यूज करके मेजर कर। यहां तक क्लियर है सर मुझको? चलते हैं आगे, यहां तक की बात सर मुझको क्लियर है, आगे चलते हैं सर। सर ये बताइए कि एग्जाम्पल के तौर पे सर मुझको ये बताया, आप आपने यहां तक की बात तो समझा दी, हमने पढ़ा है सर कि एक पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, या पार्शियल फैक्टर समझ लो और टोटल फैक्टर समझ लो, है ना, कि सर अगर हम प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हैं तो हम अलग अलग बेसिस पर मेजर कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है पार्शियल फैक्टर बेसिस, एक होता है टोटल फैक्टर बेसिस, वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे मेजर, कंपनी बोल रही है कि नहीं ये काम करो,
बॉस ने, डायरेक्टर ने बोल दिया अपने सीए से सीएमए से कि सुनो यार हमारी कंपनी का तुम पिछले वाले महीने का ना पार्शियल फैक्टर बेसिस पे मेजर करके लाओ, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी निकाल को मेरे को मेल कर दो, एक काम करो पिछले 3 महीने का टोटल फैक्टर बेसिस पे निकाल के मेल कर। हो सकता है पार्शियल फैक्टर पे भी हो सकता है, टोटल फैक्टर पे भी हो सकता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर आप आउटपुट निकाल रहे हो सिंगल इनपुट पे, मतलब कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत सारे इनपुट भी लगाती है उन प्रोडक्ट्स को बनाने में, अगर आप एक सिंगल क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे, मतलब एक इनपुट की टोटल क्वांटिटी पे आप आउटपुट को निकाल रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसे हम पार्शियल बोलते हैं कि आपने सब कुछ इंक्लूड नहीं करा, कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स को देखा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। जैसे समझ के चलिएगा, आपकी आपकी कोई कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी चिप्स भी बनाती है, आईटीसी कंपनी टबैको प्रोडक्ट्स भी बनाती है, और आईटीसी कंपनी और भी बहुत सारे कुछ होटल्स भी चलते हैं आईटीसी के। अब वो बोले कि मुझे एक प्रोडक्ट के लिए, मुझे सिर्फ चिप्स वाले, खाने वाले, बेवरेज वाले, फूड बेवरेज वाले डिपार्टमेंट सेगमेंट के लिए मुझे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मेजर करवा दो, और वो भी सिंगल इनपुट पे मेजर करवा के मुझे मेल कर दो। हाँ, तो पार्शियल फैक्टर हो गया ना, उसमें आप कंप्लीट इनपुट्स को यूज करके मेजर नहीं कर रहे। सर अगर कंप्लीट इनपुट्स को मेजर करके निकाला जा रहा है तो वो फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हो जाता है। और ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जा रहा है, एफिशिएंसी भी। मतलब अगर आप कुछ इनपुट्स पर आउटपुट को चेक कर रहे हो तो वो पार्शियल फैक्टर बेसिस पे कर रहे हो, अगर आप सभी इनपुट्स के बेसिस पर आउटपुट को चेक कर रहे हो तो आप टोटल फैक्टर बेसिस पे। हाँ, स्टूडेंट बोलता है सब समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गई सर। आपने बता दिया प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने बता दिया एफिशिएंसी क्या है, आपने बता दिया एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, आपने मुझे पॉइंट वाइज इनको समझा भी दिया, आपने ये भी बता दिया इनको मेजर किया जा सकता है, इजी प्रोसेस नहीं है बट किया जा सकता है, एक सिंगल मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है, स्टेप वाइज उनको यूज करना पड़ता है, आपने ये भी बता दिया इनको पार्शियल फैक्टर बेसिस या टोटल फैक्टर बेसिस पे किया जा सकता है चेक। पार्शियल फैक्टर बेसिस पे चेक करने का मतलब होता है कि सिंगल इनपुट पर आउटपुट चेक कर रहे हो, और टोटल फैक्टर बेसिस पे होता है कि सभी इनपुट्स के बेसिस पर आउटपुट चेक कर रहे हो। समझ गया क्या सर? प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए क्या इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपने मुझको पढ़ाया? हाँ, आए हुए। देखो, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, इफ प्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव ग्रोथ डैश, तो फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव ग्रोथ उसके कॉम्पिटिटर से क्या है वो हमें पता करना है, तो उसका मतलब है कि फर्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छा एफिशिएंट भी है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ यार, अगर एक कंपनी की प्रोडक्टिव ग्रोथ उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है वो प्रोडक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर जो है वो हो सकता है प्रोडक्टिव हो लेकिन हम उससे भी ज्यादा है, मतलब हम एफिशिएंट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, आंसर है हायर देन। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, डैश मेजर्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय कंसीडरिंग ऑल इनपुट्स ऑल आउटपुट्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, टाइप्स देखे, पॉइंट वाइज समझा, उनको मेजर करने का तरीका देखा, और उसके अलावा हमने देखा पार्शियल फैक्टर एंड टोटल फैक्टर क्या होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्कैनर हमने साथ में सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं परचेज की हुई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर इस क्लास को देख रहे हो तो मैं बता देता हूं, आप हमारे क्लासेस को बच्चों हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दे मोहित बंसल क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का वेबसाइट सबका लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हो, ऐप और गूगल ड्राइव दोनों पर डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, क्लासेस एंड सॉफ्ट कॉपी नोट्स डाउनलोड कर लो।
जो बच्चे न्यू सिलेबस के हैं 2022 सिलेबस के उनके लिए लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं लेकिन जून 2023 के अंदर एग्जाम देने जाते हैं उनके लिए ओल्ड सिलेबस की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, सब हमारे जो क्लासेस होती है बच्चों को लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स के साथ में आपको प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप हमारी क्लास परचेज करोगे तो आपको बच्चे कंप्लीट क्लासेस मिलती है, प्लस साथ में बच्चों स्कैनर हम सॉल्व कराते हैं, आपने देखा टॉपिक वाइज स्कैनर चलता रहता है, साथ में बच्चों हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे ऑल ओवर इंडिया डिलीवर की जाएगी, साथ में सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी देंगे, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों नोट्स दिए जाते हैं, प्लस बच्चों एमसीक्यूज भी आपको करवाए जाते हैं, प्लस बच्चों आपको टेस्ट सीरीज फ्री एलिजिबल रहेगी, टेस्ट सीरीज का अलग से पैसा नहीं लगेगा, प्लस बच्चों थ्योरी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या होता है प्रैक्टिकल का तो चलो बच्चा करके आता है, थ्योरी में बच्चे को ये रहता है कि सर आंसर तो मुझे आता है लिखने का तरीका रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, वो भी हम उसका अलग से थ्योरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, और ये सब कुछ बच्चों आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलता है, मतलब जब जिस जिस दिन आपका एग्जाम है तब तक आपके पास में अनलिमिटेड व्यूज है, आप सुबह शाम रात दोपहर जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज करें, बहुत ही रीजनेबल बहुत ही अफोर्डेबल और इंडिया में सबसे लोएस्ट और क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉलो होगा, प्लस स्कैनर फॉलो होगा, प्लस एमसीक्यूज फॉलो होंगे, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्लस टेस्ट सीरीज होगी, प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स होंगे, प्लस हार्ड कॉपी नोट्स होंगे, सब कुछ पूरा पैकेज आपको मिलेगा बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस। तो अगर आप लेना चाहें बच्चों तो ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।